गंगा
श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदाय मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे श्री गुरु परंपरा लोकाभिराम प्रणगम्य धीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये मनोज मम्मा रुद्रतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धि मतांबरीशं वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये लाभदेहकारीयसे अनुधर्याय वज्रदेहकानन्दनं जय 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 श्री गुरुचरण सरोज निज मन परीक्षा करवाएंगे और हर जिले में परीक्षा होगी, पहले मध्य प्रदेश में होगी, और जो बालक इस पुस्तक के प्रश्नों को पढ़ करके सही उत्तर देगा जिले में फर्स्ट तक आने वाले बच्चे को एक एक मोटरसाइकिल मिल जाएगी। जिले का जो टॉप बच्चा निकलेगा
उसको हम अपनी तरफ से एक मोटरसाइकिल देंगे, अगर रुक गया तो नहीं बात करना चाहिए। अभी जो देखो भाई जेल खाली है, तुमको जेल में दिखा, अभी तो जेल में नहीं है, लेकिन हमारा मतलब है इस चक्कर में बच्चे पढ़ेंगे, बच्चे पढ़ेंगे चक्कर में, किसके चक्कर में, मनमोहन के चक्कर में पढ़ेंगे पढ़ेंगे, जो हम विरोधी मुंह चलाएंगे उनकी फटरी बनेगी, क्योंकि हमने लिखा ही है खतरनाक, लिखवाया हमने नहीं, किसने लिखवाया, हनुमान जी ने, हम पांच दिन एकांत में रहे, कोई अनुकूल हमने किसी को बताया नहीं था, अकेले चले गए चार तीन लोग लेकर वहीं पर लिखी, और आपको बता दें पांच दिन रहे पर हमने पांचों दिन नहीं लिखी, 72 घंटे में पुस्तक का निर्माण हुआ है, करवाई वाले हनुमान जी है, इसलिए हम चाहते हैं भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, क्योंकि हमारा भारत विश्व गुरु है, हमारा भारत राम का है, हमारा भारत युवाओं का है, मेरे पागलो बच्चे पढ़ेंगे पढ़ेंगे माता पिता का नाम रोशन करेंगे और देश का नाम रोशन, याद रखना बेटा और बेटी वो नहीं है जो माँ बाप के नाम से जाना जाए, कान खोल कर सुन लो पढ़ने लाने बच्चों, मेरे भाइयों मेरी बहनियों बहनों, वह बेटा बेटी नहीं है जो माता पिता के नाम से जाना जाए, वह बेटा और बेटी है जिनके नाम से माँ बाप को जाना जाए, ऐसी पढ़ाई करना, तुम ऐसी जीना, तुम ऐसी संघर्ष करना, तुम ऐसी सफलता पाना, बेटा मेरी बहनियों तुम्हारे माँ बाप गर्व से हैं, हमारा बेटा तुम इतनी सफलता पाना, मेरी बहनों मेरे भाइयों तुम इतनी सफलता पाना, मेरी बहनियों मेरे भाइयों तुम्हारा पिता और तुम्हारी माँ किसी गली से अगर गुजरे तो लोग कहें ये अमुक बेटे का आईपीएस का बाप चाहिए, उसकी माता जी होगी, इतनी सफलता हम बच्चों में संस्कार में रखेंगे, देखो पुस्तक का निर्माण हमने बच्चों में संस्कार में रखेंगे तो ये क्या है, कौन कौन इस पुस्तक को जन जन तक पहुंचाएंगे, हाथ उठाओ, पक्का हम भी खरीदेंगे, पक्का पक्का, हम सब करते छोटे छोटे बच्चों को परेशान करते, कहते क्या है सनातन धर्म, हमारे बच्चे जवाब नहीं दे पाते, सनातन धर्म के बारे में बता नहीं पाते, सनातन धर्म क्या है इसका अर्थ पता नहीं, मतलब पता नहीं, हिंदू का मतलब पता नहीं, सनातन धर्म के अंग कितने हैं, सनातन धर्म की पहचान क्या है, ये किसी को जब पता नहीं, बहुत लोगों को जब पता नहीं, तब हमें गुरु जी ने आज्ञा दी कि तुम एक पुस्तक का निर्माण करो, और हमने पांच दिन बैठ कर एकांत में दक्षिण भारत के कोयम्बटूर में पांच दिन बैठकर हमने एक पुस्तक लिखी हुई है हनुमान जी की प्रेरणा से, उसका नाम है सनातन धर्म क्या है, आप उस पुस्तक को हम भारत के प्रत्येक प्रत्येक जिले के गांव गांव में छोटे छोटे बच्चों तक पहुंचाकर उस पुस्तक का परीक्षा करवाएंगे, मेरे पागलों उस पुस्तक को पढ़ने के बाद हनुमान जी के चरणों के प्रभाव के कारण इतना कह सकते हैं, तीन दिन भी है मंगल सही हमका बहुत अच्छा है, कम से कम इतने दिन छोड़िए, और एक बात बताओ हनुमान चालीसा पढ़ते हो, बोले हाँ पूरा, हमका एक चौपाई पढ़ी, बोले कौन सी, जय 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 हनुमान गोसाई, छत्तीसगढ़िया चंगी लाल का हालवा, बोला गुरु जी ठीक है, हम
आपका पीर है, गुरु जी पीतो है, भगवान का संग पर सोमवार मंगलवार गुरुवार शनिवार चार दिन भी पीर है। हमका कोई बात नहीं, बहुत अच्छा। हमका तुमने पिछली बार कौन से दिन को छोड़ी की, बोले गुरुवार वाले। हमका हनुमान जी के गुरु के बारे में बता रहे हैं, बोले नहीं। हमका हनुमान जी के गुरु है सूर्य, सूर्य से उन्होंने साधना ली। भगवान का दिन कौन सा है, बोले हमें नहीं पता। हमका रविवार, संडे को छोड़ दो। बोले वो भी छोड़ दो, हमका क्या करना पड़ेगा, छोड़ना नहीं पड़ेगा तो काम पीना पड़ेगा। अगर गुरु जी नाराज हो जाएंगे हनुमान जी मुक्ता ना, बुधवार की भी छूट गई। अब बचा शुक्रवार, गुरु जी अब छह तुमने छुटवाई दी, शुक्रवार वो ही ले लो। ऐसे उसकी छूट गई, धीरे धीरे करके वो आदमी पवित्र हो गया। हमारे पांडवों, हम तुम्हें ये बताना चाहते हैं, हनुमान जी का दिन लोग कहते मंगल है, हम ये कहते हैं जिस दिन तुम हनुमान जी की ध्यान कर लो, पूजा कर लो, वही दिन हनुमान जी का है और उसी दिन तुम्हारा मंगल है। क्यों, हनुमान जी भी मंगल है क्या? हाँ, मंगल मूर्ति मारुति नंदन छत्तीसगढ़ में महाकुंभ लग गया है। बाहर भीतर कुछ लोग यहाँ देखो फायर ब्रिगेड की गाड़ी में चल रही है, क्या स्थान चुना तुम लोग? चारों जगह महाकुंभ लगा हुआ है, जितने भी लोग हमारे परिवार के सदस्य विराजमान है, आप सबको राम में मानकर गोस्वामी तुलसीदास जी के चौपाई के साथ प्रणाम करते हैं। कैसे हो सब बने बने हैं, बताओ सब बने बने हैं, बड़ा अच्छा है। अब देखो हमने एक दिन से सोचा सब ठीक है, हमें नहीं लगने पड़ेगा। बोले क्यों, हमें ना सीताराम 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 कहिए, कहीं भी राखे राम कहीं भी रहिए। बोले पंडित जी रहना ही पड़ेगा, कर नहीं जा सकते। बोलो सीताराम, तो आज का दिन बड़ा अद्भुत है। समूचे भारत वर्ष को बागेश्वर धाम सिद्धपीठ की ओर से गणतंत्र दिवस की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। भारत माता की, आज गणतंत्र दिवस के बाद बहुत फल एसआरवी फाउंडेशन के तत्वावधान में शहीद परिवारों को सम्मानित किया गया, आरती दी गई,
और हमारे पीसी वाला समस्त एक्स आदमी के सदस्यों को बुलाकर शहीद परिवारों को बुलाकर आज ध्वजारोहण करवाया गया। पूरे शहीद परिवार को समस्त एक्स आदमी के लोग लेना।